इस वक्त एक बड़ी खबर, भारी बारिश से मुंबई का बुरा हाल, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट, ट्रेनों में भयंकर भीड़, मुंबई लोकल ठप पड़ती नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम ब्यूरो ने मुंबई और पड़ोसी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार शाम को मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके अनुसार यहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मुंबई लोकल की तस्वीरें देखिए, मुंबई लोकल का काफी बुरा हाल दिखाई दे रहा है। लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आज मुलुंड और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश के कारण जलभराव और खराब दृश्यता के कारण सड़क यातायात धीमा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की जीवन रेखा माने जाने वाली उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी बारिश के कारण विलंबित रही। मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं लेट चल रही हैं। IMD ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट चेतावनी कल सुबह 8:30 बजे तक बढ़ा दी है। वहीं लोकल ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनों में भी भारी बारिश और उसकी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैकों पर पानी भर गया है। मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर जिसके ट्रैक डूब चुके हैं, कुर्ला रेलवे स्टेशन का ट्रैक डूब चुका है, वहीं कई रेलवे स्टेशनों के ट्रैक डूब चुके हैं। मुंबई लोकल में आपको बता दें, भारी भीड़ देखने को मिल रही है और स्टेशनों पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोग जो अपने कामों से अब घर लौट रहे हैं, लोग रेलवे स्टेशनों पर उनका हुजूम पड़ा है। आपको बता दें, क्योंकि लोकल ट्रेनें लेट चल रही हैं भारी बारिश के कारण, और लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं कि कब घर पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई में लगातार भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। BMC की टीमें अलर्ट पर है। जितने भी BMC के अधिकारी हैं वो रात भर कंट्रोल रूम में नजर रखेंगे, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है जिस हिसाब से बारिश जारी है। वहीं आपको बता दें, घाटकोपर स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होती दिखी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉपेज पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद से यहां जनजीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर, मुंबई फिर डूबती नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार में।